वेलकम टू पाकिस्तान रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के इस शातिर प्लान से उड़ी चाइना की नींद, इंडिया मास्टर स्ट्रोक अगेंस्ट चाइना। तो मतलब इंडिया का कोई प्लान है जिसने चाइना की भी नींदें उड़ा दिया, वो कौन सा प्लान है वो वीडियो देख कर ही पता लगेगा। कोई मास्टर स्ट्रोक अगेंस्ट चाइना इंडिया ने मतलब किया, तो देखते हैं भाई। नॉलेज टीवी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो कानून करते हैं स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या हुआ है। भारत के इस खतरनाक प्लान ने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए चीन अपने देश को दुनिया के बाकी देशों से सड़क मार्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद चीन का स्टिंग ऑफ पर्ल्स ऑपरेशन। चीन के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप मैप पे लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीन किस तरीके से बड़ी धूर्तता, बड़ी चालाकी से भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, या यूं कहें कि लगभग घेर चुका है। लेकिन घबराइए नहीं, भारत अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसकी वजह से चीन की नींद उड़ चुकी है। चीन कभी सोच भी नहीं सकता कि भारत कभी ऐसी परियोजनाओं पर काम करेगा भी। तो जरा अब आप भी देखिए कि चीन की नींद उड़ाने वाली ये परियोजनाएं कौन सी हैं, आखिर वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरा होने के बाद शायद चीन पानी मांगता हुआ नजर आएगा। भारत का बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की नींव सन 2000 में रखी जा चुकी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत यूरोपियन देशों से अपने आप को जोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मुंबई से होगी, जहां से एक ऐसा रेल मार्ग बनाया जाएगा जो सबसे पहले भारत को बंदर अब्बास से जोड़ेगा। उसके बाद ये रेल मार्ग बाकू अजरबैजान को जोड़ेगा, और इसी तरीके से ये रेल मार्ग रशिया से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर खत्म होगा। आपको बता दें ये पूरा का पूरा रेल मार्ग 7200 किलोमीटर का होगा, 7200 किलोमीटर का होगा, और इन 7200 किलोमीटर के बीच ऐसे कई हब्स होंगे, ऐसे कई पॉइंट होंगे जहां से भारत सीधा व्यापार कर सकेगा। इस बीच ऐसे कई मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे जिनके जरिए जहां से भी ये रेल मार्ग गुजरेगा उस इलाके का विकास तेजी से होने लगेगा। इसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी जबरदस्त बूम को महसूस करेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर इस पर 2014 में एक ट्रायल किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि ये रेल मार्ग 40% ज्यादा तेज था और 30% बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सस्ता था। इतने सारे कैलकुलेशन कर लिए गए और इतना समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई से मॉस्को की दूरी जो 16000 किलोमीटर है, इस रेल मार्ग के बनने के बाद सिर्फ 7000 किलोमीटर तक रह जाएगी, यानी कि आधी से भी कम। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि रेल मार्ग ईरान से होकर गुजरेगा। ईरान एक ऐसा देश है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर रेल पटरियों को बिछाना कोई मजाक नहीं। ईरान की वजह से लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए जा चुके हैं, शायद इसी वजह से आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। आप ये कह सकते हैं कि आज भी ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सन 2014 में भारत ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान है। भारत का ये प्रोजेक्ट था नेबर फर्स्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों की मदद करने में लग गया, जहां पर चीन अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद भारत सरकार ने अपना चेकबुक खोला और उन सभी छोटे छोटे पड़ोसी देशों को लोन देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इन देशों को कई तरह के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, यानी कि भारत ने इन सभी छोटे छोटे पड़ोसी देशों की हर तरह से मुमकिन मदद की। इसी के जरिए सन 2019 में भारत सरकार ने भूटान को करीब 350 मिलियन डॉलर दिए। बिल्कुल इसी तरह से भारत सरकार लंबे समय से इन छोटे पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। इसका असर कुछ सालों तक तो दिखता रहा, लेकिन उसके बाद भारत सरकार का ये मास्टर प्लान रिवर्स होने लगा। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका धीरे धीरे चाइना की छत्र छाया में पलते हुए दिखाई देने लगे। सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जो भारत के साथ बना हुआ था, लेकिन फिर तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान को कब्जा लिया गया, और तब से लेकर चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लेकिन भारत यहां पर हार मानने वाला नहीं था। सन 2017 में भारत सरकार ने जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका कॉरिडोर की स्थापना की। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत और जापान मिलकर भारत को समुद्र के रास्ते कई अफ्रीकी देशों से जोड़ना चाहते थे। काफी लंबे समय से भारत और अफ्रीका के बीच में काफी अच्छे व्यापारिक संबंध हैं,
और ये बात आप भी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी अफ्रीका के लगभग सभी देशों का दौरा कर चुके हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं किया गया। आज 2022 का वक्त आ चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अभी तक किसी तरह का कोई काम शुरू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक तरह का पीआर स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था, जो सिर्फ भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। भारत के इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखकर आप यही कह सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर है, जिनकी सिर्फ प्लानिंग की गई लेकिन कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत हार मान चुका है, बल्कि भारत का एक ऐसा नया प्रोजेक्ट है जो कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और कहीं ज्यादा एग्जीक्यूटेबल दिखाई देता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। ये भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट में मौजूद रेलवे और सड़क मार्ग के द्वारा अपने आप को यूरोप के बड़े बड़े मार्केट से कनेक्ट करना चाहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर माइकल टेनहम ने जब भारत के इस प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया तो उनका यह कहना था कि यह भारत का सबसे आदर्श प्रोजेक्ट है। भारत का यह प्रोजेक्ट आज से कुछ समय पहले कल्पना से परे था, लेकिन हाल ही में जब इसराइल ने अरब देशों के साथ पीसफुल एफर्ट की शुरुआत की है, तब से भारत का यह प्लान साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच में रेल मार्ग बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ जॉर्डन और इसराइल की पोर्ट सिटी आइफा के बीच में भी रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। इसके बाद से इसराइल से गुड्स सीधा मेडिटेरेनियन तक शिप किया जाएगा। इसी तरह से कनेक्टिविटी पूरा होने के बाद गुड्स को बड़ी आसानी से यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ भारत की ये प्लानिंग है कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और भारत को इसराइल, रशिया, ग्रीस और यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ जोड़े, लेकिन इसके लिए भारत को अबू धाबी से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, शायद इसीलिए इसे भारत का सबसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी बात यह है कि इसराइल तक पहुंचने वाले रेलवे मार्ग लगभग बनाए जा चुके हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया से जॉर्डन के बीच का 300 किलोमीटर का रेलवे मार्ग बनाना बाकी है। इतना समझ लीजिए कि अगर ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तैयार हो जाता है तो भारत अपने प्रोडक्ट्स को मुंबई से यूरोपियन कंट्रीज तक सिर्फ 10 दिन के अंदर पहुंचा सकता है। आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सही हुआ मतलब माल बिकेगा, नए ग्राहक, ज्यादा पैसा और भारत की इकोनॉमी में बूम। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के साथ सिर्फ व्यापारिक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई बदलाव सामने आएंगे जिसकी मदद से भारत का एग्रीकल्चर, भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इतना तो आप भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा गर्म हवाएं चलने लगेंगी कि यहाँ पर खेती करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। रेगिस्तान लगातार अपने पैर पसारता जाएगा और इस वक्त एग्रीकल्चर के मामले में भारत, जो आज के समय पूरी दुनिया के चौथे पायदान पर है, इस वक्त वो मिडिल ईस्ट के लिए एक फूड बास्केट का काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इसके लिए काम शुरू भी कर दिया है। भारत ने करीब 7 बिलियन $ इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो इजराइल के साथ मिलकर मेगा फूड पार्क बना सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार मुमकिन। इस प्रोजेक्ट से यही पता चलता है कि अगर भारत का यह प्रोजेक्ट इस रूट से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भारत में देखने को मिलेगा। इस रूट के बनने के बाद भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन यूरोप तक पहुंचने का चीन का सपना सपना रह जाएगा। ये कहा जा सकता है कि चीन का सपना लगभग टूट जाएगा, क्योंकि भारत ने यूरोप तक पहुंचने की शुरुआत आखिरकार कर दी है। दोस्तों, वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ दो यार वीडियो खत्म यार, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मतलब मैंने पहली दफा सुने पिछले तीनों प्रोजेक्ट में यूरोप पे पहुंचने तक मतलब भारत का रहा था, लेकिन फेल हुए, मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन ये वाला शुरू भी हो चुका है। ये जो दुबई वाला रेल प्रोजेक्ट था, इसके बारे में हमने सुना था, अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, इसके बारे में हमने सुना हुआ है। कमाल है, और यार ये वाला प्रोजेक्ट एक अलग ही लेवल का होगा भाई। काम भी चालू है, काम भी इस पे चालू हो चुका है, और ये वाला प्रोजेक्ट, बाकी चाइना का भी सपना है कि वो भी यूरोप पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएगा। मतलब यार इस लिहाज से इंडिया जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं वो मतलब वो बहुत कमाल के, और उन्होंने दूर तक सोचकर इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं सच में। और जितना देखो इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से, और जितनी तेजी से इंडिया ये करेगा, जितनी ट्रांसपोर्ट तेजी से आगे करेगा, उतनी जल्दी माल उनका यूरोप तक जाएगा, उतना ही जल्दी जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके लिए चल रहे हैं इंडिया में, जो की
इंडिया को एक महाशक्ति बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया देखा जाए भाई, रोड्स के मामले देख लो, ब्रिजेस हर जगह पे इतना काम कर रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तेज होगा तो फॉरेन माल पहुंचेगा, फॉरेन माल पहुंचेगा तो इकॉनमी बूम करेगी। इस तरह भाई फायदा ही फायदा होगा देखा जाए तो इस चीज में नजर आ रहा है। जिस तरह बता रहे हैं देखो 2050 तक मतलब उधर खेती करने के काम ही नहीं रहेंगे, मिडिल ईस्ट के इंडिया उधर से जाकर वो बना रहा है बड़ा फूड फार्म बना रहा है। ये प्रोजेक्ट बहुत कमाल का है मेरे ख्याल से यार, इसमें इसराइल के साथ मिलकर जो फार्म बना रहा है फूड फार्म, मतलब यार जो आने वाला टाइम है ना, मतलब अभी कुछ टाइम में मतलब अगर जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, कोई शक नहीं। गाइस आपके कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो हर बाय।